हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गोल रेसिपीज। आज हम बनाना सीखेंगे रायता, और वो भी एक नहीं, पांच रायते। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। रायता बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। 1 किलो दही। दही हमने इसलिए ज़्यादा लिया है कि आज हम 5 तरह के रायते बनाना सीखेंगे। पानी आवश्यकता अनुसार, 50 ग्राम शक्कर, शक्कर बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून सिका पिसा जीरा, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम रायते का बेस तैयार करेंगे। वो लगभग सभी रायते में एक समान है। पहले हम दही को छलनी से छान लेंगे। इसको हम चाहे तो हैंड मिक्सर से भी फेंट सकते हैं, पर छलनी से छानने से इसका फॉर्म गाढ़ा रहेगा और हैंड मिक्सी से दही थोड़ा पतला पड़ जाता है। देखिए, दही का छानने के बाद ये फॉर्म रहना चाहिए। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। कई सारे लोग मीठा रायता पसंद नहीं करते, तो आप चाहे तो शक्कर डालें या नहीं। अब काला नमक, काली मिर्च पाउडर, सादा नमक और सिका पिसा जीरा डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। अगर दही ज़्यादा ही गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इस बेसिक रायते को हम 5 बाउल में डाल लेंगे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे बूंदी का रायता। इसके लिए हम एक कढ़ाई या किसी भी बर्तन में लगभग 1 गिलास पानी गर्म करेंगे। पानी में उबाल आने पर बाजार से मिलने वाली नमकीन बूंदी बिना मिर्च वाली इस पानी में डालेंगे। अब ध्यान से तुरंत ही इसको एक चलनी पर डालकर पानी अलग कर देंगे। हल्के हाथ से चम्मच से हिलाकर उसे ठंडा करेंगे। पूरी तरह से ठंडी की हुई बूंदी को दही में डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब चुटकी भर लाल मिर्च से इसको हम इस तरह से गार्निश करेंगे। ये हमारा पहला रायता, मतलब बूंदी का रायता सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम बनाएंगे पुदीना रायता। ये है हमारी ताजा पुदीने की पत्तियाँ और ये है ड्राई पुदीना पत्तियों से बनाया हुआ पाउडर। हम चाहें तो केवल ड्राई पाउडर दही में डालकर भी रायता तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, परंतु आज फ्रेश पुदीना पत्तियों से रायता तैयार करेंगे। इसके लिए फ्रेश पुदीना पत्तियों को मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। अब इस पेस्ट को रायते का जो बेस तैयार किया है उसमें डालकर मिक्स करेंगे। ये हमारा पुदीना रायता सर्व करने के लिए अब तैयार है। अब बारी है हमारे तीसरे रायते की, और ये है मिक्स वेज रायता। इसके लिए रायते का जो बेस हमने तैयार किया है उसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई ककड़ी, 1 बारीक कटी हुई गाजर और 1 बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स वेजिटेबल हेल्दी रायता अब तैयार है। अब चौथा रायता हम बनाएंगे कद्दू का। फ्रेंड्स, जनरली बच्चे कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि इसमें भरपूर विटामिन ए होता है, तो इस रायते के थ्रू हम उन्हें आसानी से कद्दू खिला सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। कद्दू का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम कद्दू को किस लेंगे। हमें इसके मोटे लच्छे लेना होंगे। अब 1 कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, कद्दू के लच्छे डालेंगे और 1 सीटी लेंगे। अब स्टीम को तुरंत ही बाहर निकाल देंगे और कद्दू को छलनी पर निकाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद जो बेसिक रायता तैयार किया है उसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च से गार्निश करेंगे और ये अब हमारा कद्दू का रायता बनकर तैयार है। अब बनाएंगे हम पकौड़ी का रायता। इसके लिए 1 बाउल में 1.5 टेबल स्पून बेसन लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून तेल डालेंगे
और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पकौड़ी का घोल तैयार करेंगे। इसका घोल हमें थोड़ा पतला रखना होता है, इससे हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनेगी। देखिए इसका फॉर्म हम ऐसा रखेंगे। अब तेल अच्छी तरह से गर्म करके इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे, 2 से 3 मिनट तक तलेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर। इसकी पकौड़ियाँ हम इतना ही फ्राई करेंगे, इन्हें ब्राउन नहीं होने देना है। अब एक बाउल में ठंडे पानी में इन पकौड़ियों को डाल देंगे। 5 मिनट बाद इन्हें पानी से निकालकर दही में डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब सिका जीरा से गार्निश करेंगे। यह हमारा 5वां रायता बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारे 5वां रायते बनकर तैयार है। सो फ्रेंड्स, इन रायतों को हम किसी भी स्टफ पराठे के साथ, बिरयानी के साथ और साबुदाना की खिचड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इन सभी की रेसिपीज की लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।